सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का, सारे वेदों का निचोड़ अगर कहीं है तो गीता है। राम जी को बड़ी प्रिय थी गीता, विवेकानंद को बड़ी प्रिय थी गीता, शोपेनहावर को बड़ी प्रिय थी गीता, तिलक को बड़ी प्रिय थी गीता, विनोबा भावे को बड़ी प्रिय थी गीता। क्या है गीता जरा देखिए और लीजिए। गीता का जो परिवेश है, गीता लिखी नहीं वह कही जा रही है, कही भी नहीं जा रही है वह गीत के रूप में। कौन कह रहा है? स्वयं नारायण जो धनंजय का सारथी है, पार्थ सारथी जो, किससे कह रहा है? ऐसा गहरा अर्जुन नहीं है, वह बुढ़ा केस, वह सत्य साक्षी, वह पांडु पुत्र धनंजय अर्जुन अपने समय की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से गीता का ज्ञान बांट रहे, और वह महान ज्ञान क्या है? वह महान ज्ञान यह है कि हे अर्जुन, हे कौंतेय, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम किसके लिए शोक करते हो? जो आज तुम्हारा पुत्र है, पिता है, भाई है, गुरु है, पितामह है, वह कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। तुम किसके लिए शोक करते हो? मृत्यु और अपने विराट स्वरूप का जब साक्षात्कार करते हैं। देखो अर्जुन, करोड़ों लोग रोज जन्म ले रहे हैं और करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, मेरा विराट स्वरूप देखो और इसमें अपने सगे संबंधियों को पहचान। और एक महान संदेश योगेश्वर श्री कृष्ण देते हैं कि यह आत्मा कभी मरती नहीं, यह शरीर वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती है, और आत्मा क्या है? जिसे आग जला नहीं सकता, जिसे पानी बहा नहीं सकता, जिसे हवा उड़ा नहीं सकती, वह अजर अमर शाश्वत तत्व ही आत्मा है। इस नाते हे परंतप, शोक मत करो, उत्तिष्ठत, उठो, गांडी को धारण करो और अपने धर्म का पालन। गीता कायरों के लिए नहीं है, गीता योद्धाओं के लिए है, गीता पुरुषार्थी लोगों के लिए है। ऐसा ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान। कितनी अद्भुत रही है भारतीय ज्ञान परंपरा। एक गुरु हुए हैं गौतम बुद्ध तथागत, इतिहास जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानता है। मेरा मानना है